हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं ब्लू हेवन मेकअप से बहुत जल्दी अपनी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, तो आज मैं आ गई हूँ अपनी ब्लू हेवन मेकअप लुक के साथ। और ऑलरेडी मैंने अपना ये मेकअप कर लिया है जो कि मुझे बहुत ही नाइस, सिंपल एंड नेचुरल लग रहा है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दिस लुक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का ये एलोवेरा जेल, क्योंकि मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर अवेलेबल नहीं है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी ब्लू हेवन की नॉटी लिप बाम इन द शेड बबल गम। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे फाउंडेशन, और ये ब्लू हेवन का बहुत ही अच्छा नेचुरल ऑयल फ्री फाउंडेशन है। और इसमें ये स्पैचुला आता है जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से जो है फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और मैं अपने पूरे फेस एरिया और नेक एरिया पे यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, उसको पानी में हल्का सा मैंने गीला करके अपने अपना सारा फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये फाउंडेशन बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाता है और ऑयल फ्री है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही नेचुरल लुक देता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन की ये पैन क्रीम, इसका शेड आई गेस आइवरी बीच है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इसका शेड नेम। तो मैं अपनी आंखों के नीचे इसे कंसील कर रही हूँ और अपर आई एरिया में भी इसे कंसील कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट, और जो मैंने कंसीलिंग की है उसे मैं अच्छे से टचअप कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन्स ना दिखें। और फिर मैं ले रही हूँ अगेन सेम ब्लू हेवन कॉम्पैक्ट और सारा मेरा जो फाउंडेशन है, मेकअप है, मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और ये कॉम्पैक्ट मैंने पहली बार यूज़ किया है इस वीडियो में, एंड आई मस्ट से इट्स रियली गुड, बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया। और ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स की खास बात मुझे ये लगती है कि बहुत ही नेचुरल लुक देती है इसकी मेकअप। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट, और वहाँ पे जो ये न्यूड ब्राउन शेड है, एक मैट शेड है, और ये मैं यूज़ करूँगी एज अ कॉन्टोर शेड, क्योंकि ब्लू हेवन का कोई कॉन्टोर पैलेट नहीं है, तो इसे एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ कर रही हूँ। और ये परफेक्ट है बिल्कुल कॉन्टोरिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट कॉन्टोर आता है इससे। अब यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट, और जो कॉन्टोर लाइंस हैं उनको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी यूजिंग माय पाउडर ब्रश। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लश, ये मेरा फेवरेट शेड है, और ये शेड है 504। तो यूजिंग माय ब्लश ब्रश मैं इसे अपनी चीक एरिया पे लगा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन की काजल, और इसी से मैं अपना आईब्रो क्रिएट करूँगी। और ये मैंने पहले भी ट्राई किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेचुरल लगता है। अपने हाथों को लाइट रखते हुए बिल्कुल हल्की हल्की सी मैं स्ट्रोक दूंगी। और एक स्पूली की मदद से सारा मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, और कुछ भी ओवर द टॉप नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। बस मेक श्योर करना है कि बस इसे हल्के हाथों से लगाना है। और फिर से मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का वो आई शेडो शेड लिया है, और उसे मैं ऐसे बेस, फर्स्ट बेस लगाऊंगी अपने आईलिड्स पे। देन मैं ये मरूनश ब्राउन शेड यहाँ पे ले रही हूँ, काफी ग्लिटरी शेड्स हैं ये, और इसे मैं अपनी क्रीज एरिया पे टॉप अप कर रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे ये ब्लू ग्लिटरी शेड ले रही हूँ, और इसे मैं अपनी कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। ये जो आई शेडो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, इसलिए मैं बहुत ही ध्यान से लगा रही हूँ और मेक श्योर कर रही हूँ कि कुछ भी ज़्यादा ओवर द टॉप या डार्क ना लगे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है बहुत ही डार्क आई मेकअप। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी
तीनों आई शेडोज को। और मैंने अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिर से ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल, दिस इज इन द शेड ब्लैक, और उससे मैं अपना आईलाइनर क्रिएट कर लूंगी। और इसे आप एज आईलाइनर, एज ए काजल किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। और हल्का सा मैं विंग भी क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मेरा आईलाइनर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर पे अपनी वाटर लाइन पे ही इसे लगाऊंगी, कंप्लीटली नहीं लगा रही हूँ मैं इसे। इस तरीके से अच्छा लगता है थोड़ा सा। और अब लगाना है मस्कारा, तो मस्कारा मैं लगा रही हूँ अपनी अपर लैशेस पे। तो जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ये सारे मैंने अपनी ब्लू हेवन हॉल में शेयर किए हैं, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं लिंक में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब आती है हाईलाइटर की बारी। तो हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का फेस ग्लो, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स और ये बढ़िया काम करता है एज ए हाईलाइटर। तो इसे मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के से डैप कर रही हूँ अपनी चीक बोन एरिया पे और नोज़ पे, और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ग्लो आया इससे। अब मैं यहाँ पर मेरी कॉसेप मैट की पिंक लिपस्टिक ले रही हूँ और ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है।